की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप, और हमारा वी लुकअप और लुकअप मेथड का लास्ट क्लास है। इससे इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी मैथमेटिकल कैटेगरी के बारे में। तो वी लुकअप में जो लुकअप लिस्टिंग का पार्ट है आखिर है क्या, चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए वी लुकअप लिस्टिंग का नाम मैंने दिया है, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं दिया है, वो तरीका है कि लिस्ट की तरह डेटा आता है इसलिए उसको हम लोग वी लुकअप लिस्टिंग कहते हैं। जैसे कि आपके सामने डेटा है, हम इसी डेटा के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं हटा देता हूँ इसको। तो हमारे पास डेटा है, आप डेटा देख पा रहे हैं। तो डेटा में हमारा नाम जो दिख रहा है आपको, ये नाम कई बार रिपीटेड है। मैं डेटा थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। तो इसमें आप अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पे फिल्टर में हमने यहाँ पे इंदर को सेलेक्ट कर लिया एंड ओके किया, तो आप देखेंगे कि इंदर हमारा कई बार रिपीटेड है। तो मैं वी लुकअप की मदद से कुछ ऐसा ही करना चाहता हूं कि मैं यहां पे नेम को सिलेक्ट करूं और मुझे बाकी डेटा खुद बखुद मिल जाए। जैसे यहां पे हमने सीरियल नंबर दिया और यहां नेम हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानना होगा कि आखिर पूजा या जो पर्टिकुलर नाम इसमें कितना बार रिपीटेड है। तो उसके लिए हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला है। हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और हम बोलेंगे कि इसमें पूजा कितना बार रिपीटेड है, तो 13 बार रिपीटेड है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 13 होते 13 ही सीरियल नंबर जनरेट हो, तो जितना नाम अवेलेबल होगा उतना ही सीरियल यहाँ पे जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला इफ का लगाया कि इफ हम इसमें सिलेक्ट किए एन प्लस वन और बोला कि अगर वो ग्रेटर देन आपका 13 है तो यहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर इसमें वन प्लस कर दे। लिए यहां नीचे ड्रैग करने के लिए मुझे F4 से फ्रीज करना होगा J4 को, क्योंकि J4 हमारा फिक्स है। अब नीचे जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो इसमें एरर के चांसेस हैं। तो यहां पे जैसे नीचे किए तो 13 के बाद यहां एरर आया। एरर इसलिए आया क्योंकि जो आपका है ना H21+1, तो H21 में क्या है, तो H21 में आपका ये एरर है, ये टेक्स्ट है, इसका मतलब कि हमारा एरर है, इसलिए ऐसा न करें। हाँ, इसलिए एरर दे रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ एरर का, इफ एरर, और यहां पे देंगे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और इसको नीचे तक ड्रैग कर, या नीचे और भी जितना नीचे है हम एक साथ रख देते हैं 10, 20, 50। तो अब यहाँ पे जो भी नाम देंगे, जैसे मैंने नाम दिया मोहन, तो उतना ही सीरियल जनरेट होगा। मैं देता हूँ T2, उतना ही सीरियल जनरेट होगा। इस तरह यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। मुझे इसके रिगार्डिंग इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे करें, तो यहां पे मैं लगाता हूं फॉर्मूला वी लुकअप का। लेकिन कैसे लुकअप कैसे करें, क्योंकि रिपीटेड है, तो इसके लिए हमें यहां पे एक यूनिक रिजल्ट बनाना होगा। इसको हमने यहां पे प्लस किए और यहां पे हमने दे दिया आईडी। आईडी के लिए यहां पे सबसे पहले काउंट इफ का फॉर्मूला लगाता हूं। काउंट इफ, इसको सेलेक्ट किया
B2 से B2, और फिर काउंट किसको करना है, B2 को करना है, यहां वन आया। तो हमने बोला B2 से B2 कॉमा B2, यहां पे हमारा वन आया, लेकिन नीचे ड्रैग करने से पहले पहले B2 को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, फिर नीचे की तरफ आएंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो ये क्या करेगा, हर नाम जैसे नाम रिपीट है, अगर मैं इसको फिल्टर करूँ तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इसने किया क्या। तो इंदर हमने इसको क्लिक किया, ओके करें, तो देखिए जितना नाम जितना बार रिपीट है उतनी सीरियल नंबर दे दिया। देखिए यहाँ भी मेरा आईडी यूनिक आईडी नहीं बना, क्योंकि एक कई बार रिपीट है, कई बार रिपीट है हमारा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम एक सेपरेटर देके हम नेम को ऐड कर देंगे। तो अब यहां पे अब आपका हर एक नाम यूनिक हो गया, कि वन पूजा, वन नीरज, टू पूजा, टू नीरज, इस तरह से आपका कंबाइन होके एक आईडी बन गई। अब मैं यहां वी लुकअप करूंगा, वी लुकअप, और हम इसको देते हैं यहां पे, यहां भी इसके साथ हम अटैच करेंगे। और हमने क्या कर दिया, नेम को और टेबल है कॉमा 2,0। अब नीचे ड्रैग करने से पहले हम J4 को फ्रीज कर देते हैं, और मुझे इससे पता है कि एरर आएगा, तो मैं इस पे इफ एरर भी लगा दूंगा, ताकि एरर आए तो ब्लैंक देखे। और इसको आगे बढ़ने से पहले हम, या इसमें तो अलग अलग है, तो इसको फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट ही कर देता हूँ, दो चार कॉलम तो है ही, थ्री। और फिर इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते, यहाँ पे टू नहीं हो, यहाँ पे थ्री होगा, ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे आपका फोर होगा, यहाँ पे फाइव, और यहाँ पे सिटी में सिक्स होगा, मैं गलत कर दिया था, नेम तो ऊपर है ही, तो नाम डालने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे मैं पूजा डालता हूं तो पूजा का आ जाएगा, मैं नीरज डालता हूं तो नीरज का आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ जी रजनीकांत जी, कोई डाउट? आफिया जी, कोई डाउट आपको? लेकिन ये फॉर्मूला से किया ना सर, तो इसको हम एक और तरीके से बिना फॉर्मूला यूज किए हुए इससे बेटर कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैं फाइल को सेव, इस डेटा को सेव करता हूं एक ड्राइव में, यहाँ पे डेस्कटॉप, नहीं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे DD1 कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो डालूँ, या मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो डालूँ उसी का रिकॉर्ड यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे जो नाम डालूँ वही नाम यहाँ दिखना चाहिए यहाँ से। तो उसके लिए हम जाएंगे डेटा मेनू बार में, गेट डेटा पे, फ्रॉम फाइल, नहीं हम फ्रॉम फाइल नहीं करेंगे क्योंकि पूरी की पूरी आ जाएगी, हमें तो फिल्टर डेटा चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे जाएंगे, नहीं नहीं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, फ्रॉम फाइल पे जाते हैं, माफ कीजिएगा, फ्रॉम फाइल, एक्सेल वर्कबुक, क्यूरी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो बाद में बनाएगा आपको। 18 तारीख को बना है DD इम्पोर्ट। सीट वन
एंड यहां पे हम लोड कर देते हैं। तो यहां पे अभी मैं मुझे जो लिंक हुआ डेटा हो पूरा का पूरा डेटा लिंक हुआ है। यहां पे लोड करना चाहिए ना। आज चलिए वो मैंने गलती से वहां पे लोड कर दिया, लोड एंड ट्रांसफॉर्म करना चाहिए था तब जाके होता। ओके अब मैं ये पूरा आ गया, लेकिन मैं यहां पे एक नेम के हिसाब से लाना चाहता हूं H1 के तरीके से। तो मैं डेटा में जाऊंगा किस पे, कनेक्शंस, क्यूरी एंड कनेक्शंस, इसकी क्यूरी एंड कनेक्शंस, इसकी प्रॉपर्टी में क्यूरी एडिटर खुल जाएगा। ये हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूं। ये चेंज हो गया, मैं दोबारा से करता हूं। जाइए, इसने सीट को ही पूरा लुकअप कर दिया है। जाइए मैं इसको कनेक्ट डिलीट करता हूं। अदर सोर्सेस पे चलिए, वहां सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एक्सेल फाइल। ओके, यहां से अपनी फाइल को सेलेक्ट कीजिए। ओके, जिस यहां पे ब्लैंक आएगा, याद रखिएगा ब्लैंक आएगा, फर्स्ट टाइम ब्लैंक आता है तो आपको व्यू सिस्टम टेबल पे क्लिक करना होगा ऑप्शन में जाकर। फिर इसमें कि अगर कुछ फील्ड आपको नहीं भी लेना है तो नहीं ले सकते, लेकिन सारे फील्ड चाहिए तो हम सारे फील्ड ले लिए। नेक्स्ट, अब आपको किस पे फिल्टर लगाना है, तो हमने बोला नेम, और नेम में हमने बोला कि इक्वल टू और होना चाहिए मान लीजिए पूजा। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। दो मिनट आ जाएगा। यहां से हम उसको टेबल फॉर्म में कर दिया। तो अभी सिर्फ हमारा पूजा का डेटा आया, बट मैं लिंक करना चाहता हूं इससे। यहां पे मैं पूजा लिखूं तो आए, या फिर मैं यहां पे मान लीजिए मैं लिखता हूं T2, तो T2 का आना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में यहां पे डेटा में, यहां पे कनेक्शन है, क्यूरी एंड कनेक्शन, क्यूरी फॉर्म एक्सेल फाइल दिख रहा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज यहां से नहीं जाना, हाँ यहां से इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी आपको। डेफिनेशंस यहां देखिए सिंपल, वो इससे पहले जो हमने कनेक्ट किया था उसके यहां पे कनेक्शन टाइप पे टेबल सीट वन था, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में था, इस कारण से नहीं हुआ। बट यहां पे देखिए क्यूरी फॉर्मेट में, और यहां पे क्यूरी लगा हुआ है, क्यूरी यहां देख रहे हैं आपको पूजा दिख रहा होगा। अब इस पूजा को मैं यहां से डिलीट करके इसके उसके क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। क्वेश्चन मतलब पैरामीटर्स, क्वेश्चन मार्क देके जैसे ही ओके करूंगा मुझसे पूछेगा पैरामीटर वन, कौन सा पैरामीटर। तो डालने से पहले मैं यूज वैल्यू रिफरेंस द फ्यूचर रिफ्रेश, और रिफ्रेश ऑटोमेटिकली व्हेन द योर वैल्यू विल बी चेंज, और फिर आपने जो T2 है या जो भी आपका नाम है उसको दे दीजिए। ओके करते ही आपको यहां पर दिख गया। मैं यहां पे देता हूं नीरज, तो डेटा नीरज का आ गया। मैं देता हूं यहां पे उदय, तो डेटा उदय का आ गया। तो ये सेम लाइक वी लुकअप लिस्टिंग है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में शौलियत हुई, इसमें शौलियत हुई या उसमें शौलियत हुई। ठीक है नीरज जी, सॉरी
काजी एंड रजनीकांत जी, यस सर। तो जो आपको अभी दिखाया उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब डेटा मेन्यू फॉर्मूले के बाद, जब डेटा मेन्यू बाद में चलेंगे हम, तो वहां पे हम इस सारी चीजें को डिस्कस करेंगे। अब हम बैक टू अपने इसमें आते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक काम और करना है कि मुझे इसमें टोटल ऐड करनी है, मुझे पता चले कि आखिर टोटल क्वांटिटी और एवरेज एमआरपी क्या है। बट ये टोटल यहां पे नहीं, क्योंकि दिक्कत ये है कि अभी तो 13 है, जैसे मैं T2 करूंगा 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये टोटल या दो हो सकता है, तो ये टोटल भी इसके साथ ऊपर नीचे आना चाहिए। हो जाएगा सर? विकास जी, अधिकार जी, जी हो जाएगा। तो ठीक है, फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, मुझे कर